अध्याय में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। सोनाक्षी सिन्हा समेत पांच के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और चार अन्य लोगों के खिलाफ मुरादाबाद के कार्यक्रम आयोजक के कथित तौर पर धोखाधड़ी करने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। सिन्हा की प्रतिबंध एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया कि कार्यक्रम आयोजक गलत और तोड़ मरोड़ कर सूचना जारी करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और नतीजन अभिनेत्री कानूनी कार्रवाई करने पर मजबूर होगी। अधिकारी ने बताया कि पिछले साल 24 नवंबर को प्रमोद शर्मा नामक एक कार्यक्रम आयोजक ने आरोप लगाया था कि उसने दिल्ली में एक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के लिए सिन्हा को आमंत्रित करने के उद्देश्य से एक कंपनी को 24 लाख रुपए का भुगतान किया था और अभिनेत्री ने इस कार्यक्रम में आने की पुष्टि भी की थी, लेकिन वह नहीं आई। पुलिस के अनुसार मुरादाबाद के शिवपुरी के रहने वाले शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि उसने 37 लाख रुपए का भुगतान किया था, जिसमें काफी सारी रकम सिन्हा के खाते में भेजी गई थी। सिन्हा की प्रबंधन एजेंसी ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा कि इस संबंध में बार बार अवगत कराने के बावजूद आयोजक ने अनुबंध के अनुसार कार्यक्रम के पहले अभिनेत्री को भुगतान नहीं किया। मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रविंद्र गोंड ने कहा, मामले में जांच अधिकारी ने सिन्हा एवं चार अन्य को नोटिस भेजा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर शुक्रवार को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि चार अन्य अभिषेक, मालविका धूमिल और एडगर मुंबई के रहने वाले हैं। काठघर के थाना प्रभारी अजीत सिंह ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले में जांच शुरू हो गई है। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबरें देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे न्यूज़ के अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।